इसलिए हम लोगों को जानना चाहिए, हम लोगों का जो सेवा भगवान के लिए हम लोग करते हैं उसका आदि स्वरूप है बलराम जी। तो जो हम लोग भगवान की सेवा करेंगे, बलराम जी का आश्रय नहीं मिलेगा, तो कभी बलराम जी का कभी भगवान का सेवा हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए बलराम जी का स्थिति बहुत उच्च कोटि के हैं। बलराम जी का प्रकाश हुआ है भगवान को सेवा करने के लिए, इसीलिए हम लोगों को भगवान का सेवा करना है तो बलराम जी का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए बलराम जी को कहते हैं आदि गुरु के रूप में बलराम जी सेवा करते हैं। तभी कृष्ण बलराम हमारे लिए आराध्य भगवान है। तो बलराम जी के चरित्र में सब गुण है भगवान के, दोनों ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, फिर भी बलराम के सेवा भाव बहुत तीव्र है, उनका स्वाभिमान है, उनका अहंकार है मैं भगवान का सेवक। लेकिन एक बार क्या हुआ, बलराम ने सोचा मैं कृष्ण जैसा बन जाऊं, कृष्ण जैसा ड्रेस पहनूंगा, मैं कृष्ण जैसा बन जाऊंगा, उनको अच्छा लगता है। कृष्णा कृष्ण तो क्या, कौन सा कलर का ड्रेस पहनते हैं, येलो कलर। लेकिन बलराम जी कौन सा कलर के पहनते हैं कपड़ा, ब्लू कलर, नीली। क्यों, वो ब्लू कलर पहनते हैं क्योंकि उस कलर पहनने से क्या होता है, कृष्ण का स्मरण होता है। तो आज ब्लू कलर डे है, बलराम जी का आविर्भाव तिथि ब्लू कलर डे। तो आज सबको नीली सब कुछ पहनना चाहिए, तो भगवान बलराम नीली कपड़ा पहनती हूँ। लेकिन उस दिन उनकी इच्छा हुआ, अभी मैं आज ब्लू कलर के कपड़ा नहीं पहनूंगा, मैं येलो कलर का कपड़ा पहनूंगा कृष्ण जैसा। तो कृष्ण जैसा मयूर का पंख भी लगाया, तो क्या हुआ, कृष्ण जैसे लगने लगा। तो जो कंस असुर भेजते थे वृंदावन में, तो असुर लोगों को थोड़ा कृष्ण का डिस्क्रिप्शन देना पड़ता था कंस को, कृष्ण देखने में कैसा है। तो उन्होंने बताया इस कलर का, येलो कलर का कपड़ा पहनते हैं, ऐसे हैं ऐसे हैं। तो उस दिन पूरा बलराम ऐसे दिख रहा था। तो उस दिन केसी असुर आया वृंदावन, तो केसी असुर आके देखा कौन किधर कृष्ण कृष्ण किधर कृष्ण है। तो बलराम को देख के उनको लगा ये कृष्ण है, क्योंकि कंस ने जैसे बताया था ऐसा लग रहा था बलराम को, क्योंकि उस दिन बलराम कृष्ण जैसे बन गए। तो केसी आके उनको एक लात मारा और बहुत दूर जाके गिर गए बलराम जी, ये लीला है। तो बलराम जी का बहुत दर्द आया, उन्होंने बोला बाप रे बाप, कृष्ण बनने का इतना बड़ा समस्या हो गया मेरा, तो मैं तो कृष्ण बनना नहीं चाहता। आचार्य लोग बताते हैं जब सेवक जब भगवान बनने का कोशिश करता है ऐसे लात मिलता है। तो हम लोग भी सेवक है भगवान के, लेकिन इस दुनिया में हम लोग सेवक भाव छोड़ के हम लोग प्रभु बनना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं। तो जो भगवान बनना चाहते हैं उनको लात मिलेगा, किसको लात मिलेगा, इस भौतिक संसार से, आदि भौतिक आदि दैविक आदि आत्मिक क्लेश जैसा लात मिलेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर मिलेगा। इसलिए सेवक को सेवक रहना ही अच्छा है, उसमें आनंद मिलेगा। लेकिन सेवक जब प्रभु बन जाता है, सेवक जब भगवान बन जाता है, तो उनका हाल बेहाल हो जाता है। सो बलराम इस लीला के माध्यम से दिखा रहा है जो सेवक है उसको सेवक ही रहना चाहिए, उनको भगवान बनना नहीं चाहिए। तो बलराम जी बहुत सारे असुर को मारा है, लेकिन दो असुर के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा किया गया है श्रीमद् भागवत में। पहला है प्रलम्बासुर और दूसरा है धनुकासुर, ये दोनों का उन्होंने वध किया। प्रलम्बासुर वो क्या, वो एक गोप शाखा के रूप में आए थे। तो प्रलम्बासुर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, प्रलम्बासुर अनर्थ हर असुर जो भेजा है कंस ने, तो आचार्य लोग भक्ति विनोद ठाकुर विशेष करके उन्हें बताते हैं हर एक असुर एक अनर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रलम्बासुर जो आए थे भगवान बलराम को कृष्ण को मारने के लिए, तो बलराम जी उनको मार डाला,
तो प्रलंब स्वरूप क्या है? प्रलंब स्वरूप रिप्रेजेंट करते हैं हमारा सटल एंड ग्रॉस मेटेरियल डिजायर, हमारे भौतिक बहुत इच्छा रहते हैं भोग करने का, स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से। स्थूल रूप से हम लोग जौन सुख भोग करना चाहते हैं, मैथुन सुख, और सूक्ष्म रूप से हम लोग लाभ पूजा प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं। तो हमारा हमारे अंदर एक जो इच्छा है भोग करने का, ये भोग करने का इच्छा ही हमारा दुख का कारण है। कृष्ण बुली से ही जीव अनादि बहिर्मुख अते माया तारे दय संसार। जब हम लोग भगवान को भूल जाते हैं तो हम लोग क्या, हम लोग अंदर क्या इच्छा जागृत होता है? भोग करने का, भौतिक संसार को भोगने का इच्छा जागृत होता है। हम लोग भोगे क्यों बनते हैं? क्योंकि हम लोग भगवान का सेवा को हम लोग छोड़ दिए, भगवान को भूल गए। सो फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा इज अ रूट ऑफ मेटेरियल डिजायर। इसलिए हम लोगों को भगवान को स्मरण करना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं हमारा जिंदगी का भौतिक संसार में, भौतिक संसार से उद्धार पाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? भगवान का स्मरण करना चाहिए। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए। एक मिनट के लिए भी भगवान को विस्मरण करना, भूलना नहीं चाहिए। यही सबका भक्ति का सार है। हम लोग इतने सारे भक्ति का अंग का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन उनका लक्ष्य क्या है? भगवान का स्मरण। लेकिन जब भगवान को हम लोग भूल जाते हैं तो हम लोगों का भौतिक इच्छा हमारा हृदय में जागृत होता है। तो कोई इच्छा स्थूल रूप से हम लोग मैथुन सुख भोगना चाहते हैं, और सूक्ष्म रूप से लाभ पूजा प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं। लेकिन अब जब बलराम जी हमारा जिंदगी में आ जाएगा तो ये दोनों का विनाश हो जाएगा। तो जो भक्त इस दोनों इच्छा को नाश करना चाहते हैं उसको क्या करना चाहिए? उसको बलराम जी का स्मरण शरण लेना चाहिए। तो बलराम जी के कृपा से हमारे हृदय में जो भौतिक सुख भोगने का इच्छा वो चला जाएगा। प्रलंब असुर वध से बलराम जी हम लोगों को सिखाते हैं। और एक असुर का वध हुआ है, उनका नाम है धेनुकासुर। धेनुकासुर आए थे गधे के रूप में। तो गधे के रूप में जो धेनुकासुर आए थे, धेनुकासुर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अज्ञान को, इग्नोरेंस। तो हम लोगों का जो भौतिक स्थिति हम लोग प्राप्त हुए हैं उनका आदि कारण है हम लोगों का अज्ञान। अज्ञान का मतलब हम लोग भूल गए हैं हम लोग कौन है। हम लोग सोचते हैं ये शरीर, ये देह हमारा स्वरूप है, इसको कहते हैं देहात्म बुद्धि। हम लोग सोचते हैं देह आत्मा है, ये देह हमारा शरीर स्वरूप है। इस शरीर को भोगना, इस इंद्रियों को भोगना, इंद्रियों विषयों को भोगना, यही जिंदगी का मकसद है, लक्ष्य है। हम लोग ऐसे सोचते हैं क्योंकि हम लोग अज्ञान में है। तो ज्ञान का मतलब क्या है? खुद को जानना, हम ही के। सनातन गोस्वामी जब महाप्रभु के पास आए, उन्होंने प्रश्न पूछा। क्या पूछा? पहला प्रश्न यही था, हम ही के। अर्थात ब्रह्म जिज्ञास। मनुष्य जीवन तब चालू होता है जब हमारे अंदर एक प्रश्न जागृत होता है, हम ही के। अर्जुन को भी कृष्ण बताए, दैनस्मिन यथा देहे कोमारंग जोबनंग जरा तथा देहांतर प्राप्ति तिरस्तत्व नमुह्यति। तो जब हमारा ये प्रश्न जागेगा हृदय में तब मनुष्य जीवन चालू होता है। आहार निद्रा भय मैथुनांग च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम् धर्म हि ते समधिक विशेष धर्म नैन पशुभिः समानम्। तो हम लोग भोग करते हैं आहार निद्रा भय मैथुन के माध्यम से, पशु लोग भी करते हैं, मनुष्य लोग भी करते हैं। लेकिन मनुष्य लोग धर्म कर सकते हैं, लेकिन पशु जनि में धर्म नहीं हो सकते। धर्म का मतलब पूछना, प्रश्न करना। अर्जुन ने प्रश्न पूछा, इसीलिए भगवद गीता प्रकाशित हुए। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा,
कौन है भैया? अरे कृष्णा, अरे कृष्णा, somehow अरे Sankarsan Thaiprabhu got logged out, so we'll wait for Prabhu for a few minutes, maybe not few minutes, few seconds. There is some net issue there. So by the time, okay. So by the time we can have some let's Q&A sessions from today's discussion. So please raise your hands if you are wishing to answer the. Oh, Prabhu has come already. Okay, fine. Hare Krishna. Yes, Prabhuji. हरे कृष्णा, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। सुर अभी सुनाई दे रहा यस है? तो क्या बोल रहा था मैं, किधर डिस्कनेक्ट हुआ? इग्नोरेंस ऑफ अवर आइडेंटिटी धनुकासुर कब तक ये डिस्कनेक्ट हो गया? क्या बोल रहा था मैं? वी आइडेंटिफाई विद द बॉडी एंड तो प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। हम लोगों को प्रश्न करना चाहिए। ये सब सुना आपने? नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया उससे पहले ही। सनातन गोस्वामी जहां पर आके प्रश्न पूछा था वहीं पर डिस्कनेक्ट हुआ। तो सनातन गोस्वामी आके महाप्रभु को पूछे, मैं कौन हूं, अमी के? तो हम लोग भी बोलते हैं, हम लोग प्रश्न पूछते हैं। बहुत सारे प्रश्न होता है। बच्चे लोग पिता माता को प्रश्न करते हैं। हम लोग स्कूल कॉलेज में जाके टीचर लोगों को, प्रोफेसर लोगों को बहुत प्रश्न पूछते हैं। लेकिन ये सब प्रश्न क्या है? भौतिक संसार का प्रश्न है। लेकिन शास्त्रों क्या बताते हैं? अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। हम लोग को ब्रह्मों के बारे में पूछना चाहिए। आमी की, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, इसके बारे में पूछना चाहिए। तब मनुष्य जीवन सफल होगा। इसीलिए हम लोग अज्ञान के कारण हम लोग ये प्रश्न नहीं करते हैं। अज्ञान के कारण हम लोग आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चारों चीजों के लिए हम लोग प्रश्न करते हैं। लेकिन जब बलराम जी हमारे जिंदगी में आएंगे तो क्या होगा? ये अज्ञान का विनाश हो जाएगा। जैसे बलराम जी धनुकासुर को वध किया है, इसी तरह बलराम जी जब हमारे हृदय में आविर्भूत होंगे, जब बलराम जी हमारे जिंदगी में आएंगे तो क्या होगा? हमारा जो अज्ञान है उनका विनाश हो जाएगा। और जब हमारा अज्ञान का विनाश हो जाएगा तो अब हम लोग जान पाएंगे हम लोग भगवान के अंश हैं। ममई वांश जीवो लोके जीव भूत सनातना जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये सब हम लोग जान पाएंगे तो भगवान के सेवा में हम लोग जुड़ जाएंगे। जब हम लोग भगवान के सेवा में जुट जाएंगे तब क्या होगा? हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। तो बलराम जी का भाव क्या है? सेवा भाव है। लेकिन उनका और एक नेचर है, वो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा बहुत आता है उनको। तो और बहुत आसानी से संतुष्ट भी हो जाते हैं बलराम जी। तो बलराम जी गदा युद्ध में बहुत एक्सपर्ट है, टीचर थे, दोनों का कोच थे, किसका? एक दुर्योधन के और भीम के। लेकिन दुर्योधन उनका ज्यादा फेवरेट था क्योंकि दुर्योधन बहुत मेटिकुलस थे, बहुत एक्सपर्ट थे गदा युद्ध में। लेकिन दुर्योधन जानते हैं आप, वो तो भगवान के भक्त नहीं थे, असुरी भाव था उनका। तब जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के टाइम दोनों का युद्ध हो रहा था,
जो दो रहा था, भीम और किसके साथ? दुर्योधन के साथ। तो दुर्योधन का तो आशीर्वाद मिला गांधारी से, गांधारी ने दृष्टिपात किया तो पूरा शरीर उनका क्या बन गया, वज्र जैसा बन गया। लेकिन उन्होंने जो हाई एरिया उधर उन्होंने कवर करके रखा था, तो वो जगह उतना शक्तिशाली नहीं थे। इन गदा युद्ध में वेस्ट लेवल उसके नीचे आघात करना नियम नहीं है। तो कृष्ण बोल रहे थे भीम को, उनको जंगे में मारो वेस्ट लेवल के नीचे। वो तो गदा युद्ध के विरोध विरोधी, ये तो गदा युद्ध का नियम नहीं है। लेकिन कृष्ण बोल रहे हैं उनको मारो उधर, तो भीम ने मार दिया और उनका तो मृत्यु हो गया दुर्योधन। लेकिन बलराम बहुत क्रोधित हो गया, ये कैसा नियम है? तो जब कृष्ण बोला मैंने बोला इसलिए उन्होंने किया, तो शांत हो गया बलराम जी, क्रोधित हो जाते हैं। जब कृष्ण बोलते हैं तो शांत हो जाते हैं। सेवा भाव। तो आप जानते हैं अर्जुन सुभद्रा देवी को उन्होंने किडनैप किया है, हरण किया था, तो बलराम जी तो नहीं चाहते थे उसके साथ शादी हो। ऐसे उनको जब हरण करके ले गए तो बलराम जी बहुत क्रोधित हो गए। तब जब कृष्ण उनको समझाया तो बलराम जी शांत हो गए। इसी तरह हम लोग देखते हैं बलराम जी क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन जब कृष्ण कुछ बोलते हैं तो उनको मान लेते हैं। यही बलराम का भाव है, क्योंकि उनके अंदर भगवान कृष्ण को सेवा करने का बहुत अच्छा भाव रहता है। इसी तरह हम लोग सीखे हैं, हम लोगों का बलराम जी से क्या सीखना चाहिए? भगवान का सेवा। तो आज हमारा जिंदगी, आज हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए भगवान बलराम के चरणों में, उनका जो सेवा भाव है वो सेवा भाव का कुछ हमारे हृदय में आ जाए तो हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। तो आज सेवा का दिन है, तो आज हम लोगों को बलराम जी से प्रार्थना करके भगवान का सेवा करना चाहिए। इसलिए हम लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं उसका अर्थ भी ऐसा है, भगवान का सेवा करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी तरह हम लोग जब भगवान के सेवा में लगे रहेंगे तो क्या होगा, हमारा माया का सेवा से हम लोग क्या होगा, छुटकारा मिल जाएगा। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का यही अर्थ होता है। आज बहुत पावन तिथि है, आज हम लोग बलराम को प्रार्थना करेंगे, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसे और हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।